किसान भाइयों, अंकित ने अपने खेत में मिट्टी चढ़ा दी और ये गन्ना मार्च का बोया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त ही खोरा है, बहुत सुंदर जमाव है। और देखो मिट्टी भी कितनी बढ़िया चढ़ी। ये हल है लोहे का। ये कहाँ से लिया था हल? फफुंडा भाइयों, फफुंडे का बना हुआ हल है। जहाँ का निखिल है, एजुकेटेड फार्मर चैनल वाला, उसके गांव में मिलता है। ये देखिए बहुत सुंदर, देखिए सब घास दाब दी, कोई पता नहीं घास का। और बहुत ही अच्छा गन्ना खड़ा है। ये 30 इंच पे है। ये देखिए ये गन्ना 100+ जाएगा, क्योंकि कहावत है पूत के पैर पालने में पिछड़ जा। बहुत सोना जवाब है। तो ये कते का आ गया था हल? कितने का आ गया था? ये तो जी बहुत पहले लाए थे, पापा लाए थे। अच्छा, काफी पुराना है। इधर नवा सा लगे जरा, आप के आए हो भाई? ये है लोहे का बनता है सारा, लकड़ी के तो अब नए जमाने रहे। आ लिया। ये भाइयों हमारी भी चल रही है धीरे धीरे। अब इसमें जमाव चल रहा है इसका, फुटाव। ये देखिए जमाव निकल रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं अंकित की जो 30 इंच पे है, हमारी 60 पे है, दोनों में क्या अंतर आता है, ये तो वक्त ही बताएगा आने वाले टाइम में। अगर 30 की बढ़िया निकली तो फिर हम अगले साल 30 की बोएंगे, ये ठीक रही तो ये बोएंगे। हाँ, अंकित का कहना है अगर ये अच्छी लगी तो मैं भी अगले साल ये बोऊंगा। सही बात है, जो कम लागत में अगर अच्छी पैदावार होती है तो बुराई कुछ नहीं है कोई भी काम करने में। लेकिन 28 पे तो बेकार है, 28 ज़्यादा नेड़ी हो जा। ये देख लो, ये हमारी से कई दिन पहले हुई थी इससे, दो चार दिन का फर्क। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। इस पे मिट्टी ज़्यादा आ गई, इसके हम आज से एक कक्षा खोद कर बाहर रखेंगे, क्योंकि इससे जमाव रुक गया, जो ब्याज फूट रहा था उसमें दिक्कत आ गई। कर देंगे धीरे धीरे, आज तो मौसम अच्छा है। आज हम तीनों इसके आधा निकाल देंगे इसको। नमस्कार।